9 सेकंड न्यूज की करेंगे शुरुआत। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी की टीम का छापा। सुबह 7 बजे से घर की तलाशी में जुटी है टीम। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम। ईडी की छापेमारी पर भड़के आम आदमी पार्टी, कहा मोदी और अदाणी का मुद्दा उठाने पर हो रही है छापेमारी, तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। टीएमसी के धरने से गरमाया दिल्ली का सियासी माहौल, कृषि भवन में थे टीएमसी के सांसद विधायक और मंत्री, सभी को घसीटकर बाहर निकालने, सांसदों को खींचकर पुलिस वैन में बिठाने का है आरोप। टीएमसी का दिल्ली पुलिस पर सांसद मऊआ मोइत्रा से अपमानजनक व्यवहार का आरोप। केंद्र के खिलाफ कृषि भवन में धरने पर बैठी थी मऊआ मोइत्रा, महिला सांसद को उठाकर ले गई थी पुलिस। कृषि भवन में धरने पर बैठे थे टीएमसी सांसद विधायक और मंत्री अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा थे मौजूद, साथ में थे टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता, सभी को पुलिस ने कृषि भवन से निकाला। मनरेगा बकाए के भुगतान की मांग को लेकर टीएमसी का प्रोटेस्ट, कृषि मंत्री से मिलने पहुंचे थे टीएमसी नेता। टीएमसी नेताओं के मुताबिक तय थी कृषि मंत्री से मुलाकात। अभिषेक बनर्जी का केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन पर आरोप, साध्वी निरंजन ने दिया था मिलने का समय, हमने 90 मिनट इंतजार भी किया फिर भी मंत्री ने मिलने से इनकार किया। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का बयान, कृषि भवन में हमें मुलाकात के लिए बुलाया गया, 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक इंतजार भी करवाया गया, फिर कहा मंत्री हमसे मुलाकात नहीं करेंगे। टीएमसी का एक्सपर्ट पोस्ट, कृषि भवन में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पहुंचे टीएमसी प्रतिनिधि मंडल के साथ अपमानजनक व्यवहार, ये बीजेपी के अहंकार और मनमानी का ज्वलंत उदाहरण है। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, एक्सपर्ट लिखा बीजेपी ने बंगाल के गरीबों का पैसा रोका, दुर्दशा पर ध्यान खींचने दिल्ली पहुंचा प्रतिनिधिमंडल, तो राजघाट और कृषि भवन में की गई क्रूरता। दिल्ली में टीएमसी के धरने के दौरान हंगामा, पश्चिम बंगाल में भी गरमाई सियासत, टीएमसी यूथ विंग का ब्लॉक लेवल तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान, राजभवन घेरेंगे टीएमसी के नेता। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनों की शुरुआत, केंद्र सरकार के खिलाफ कूच बिहार में टीएमसी नेताओं ने किया प्रदर्शन, इलाके में रास्ता रोका गया, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी के आरोपों का दिया जवाब, कहा बंगाल में हो रहा है जबरदस्त भ्रष्टाचार, हर जिले में सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है राज्य सरकार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, केंद्र से मिले पैसों में से करीब 5,000 करोड़ रुपए फेक जॉब कार्ड होल्डर्स ने लिए, टीएमसी नेता बीडीओ पुलिस की मदद से हुआ है गबन। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ी है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कैबिनेट बैठक में नहीं शामिल हुए अजीत पवार, लेकिन आवास पर मंत्रियों विधायकों के साथ मीटिंग। दिल्ली पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, आवास पर हुई तीनों नेताओं की बैठक, कैबिनेट विस्तार पर हुई बात। छत्तीसगढ़ में नगरनार स्टील प्लांट को लेकर सियासत तेज हो गई है, प्लांट के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस, सीएम भूपेश बघेल ने कहा विरोध में पीएम के कार्यक्रम में नहीं पहुंचा कोर्ट। सीएम भूपेश बघेल के पोस्ट पर रबन सिंह का पलटवार, प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर को ये गारंटी दी, नगरनाल स्टील प्लांट बस्तर का था और बस्तर का ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन को लेकर सीएम बघेल की पीएम मोदी को चिट्ठी, कहा पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से लिया जा रहा एक्सप्रेस का किराया, कैंसिल या देरी से चल रही हैं पैसेंजर ट्रेनें। सिख दंगों के घाव भरने के लिए 24 घंटे में 3 बार स्वर्ण मंदिर में नतमस्तक हुए राहुल गांधी, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने की सेवा, एसजीपीसी ने कहा ये पश्चाताप नहीं। मामन खान की अंतरिम जमानत पर बोले नूह विधायक आफताब अहमद, कहा नूह हिंसा के लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार, नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप। संबल में सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क का बयान, अयोध्या में बनाई जा रही मस्जिद का उद्घाटन किसी मुसलमान से कराया जाए, बीजेपी ने हमारी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया। मेरठ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान का इमरान मसूद ने समर्थन किया, कहा मोदी है तो मुमकिन है वेस्ट यूपी अलग प्रदेश बने, ये वक्त की मांग है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 5वीं बार ईडी का समन जारी, जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए आज सीएम हेमंत को ईडी के सामने होना है पेश, सोरेन की पेशी पर सस्पेंस। यूपी के सीएम योगी आज बस्ती में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, आर्य समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। झारखंड के पलामू में आज मेधा डेयरी फार्म का सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन, 2 साल के अंदर बनकर तैयार हुआ मेधा डेयरी फार्म। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे।
इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।